ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में किला गेट क्षेत्र के लोहा मंडी सेवा नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में लापरवाही करने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोहा मंडी सेवा नगर क्षेत्र में सड़क, सीवेज, बिजली और अमृत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कार्य में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। बिल्कुल समझते लोगों को, और ये आज लाइन चलना चालू हो जाएगी, रहती फटक थी माने लाइयो आ रही को आ रही को रोगेन सुनो इस दौरान तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व के पास कुछ नहीं है, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जनाधार से डरते हैं, इसीलिए खुद दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी सिंधिया पर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके। उनके पास न जमीनी पकड़ है न जनाधार है, वे खुद को चमकाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा सिंधिया ने जो किया है उसमें उनका उद्देश्य जनसेवा था। देखिए, जो जनता जनार्दन जिसने मुझे चुना है उनके बीच मुझे समय समय पर रहना चाहिए और उनकी समस्याओं की जानकारी लेनी चाहिए। आज इस रोड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ कुछ दिन पहले सीवर लाइन ढली है, तो ये रोड क्या है, एक पानी जो खुदाई बैठेगा, इसलिए इसको लेवलिंग करा के इर्सा करके बरसात का समय निकलने के बाद इस रोड का निर्माण किया जाएगा। पर अभी इसकी पेच रिपेयरिंग के मैंने निर्देश दिए हैं। जहाँ पे पानी की समस्या है उन समस्याओं को देख रहा हूँ, बिजली की समस्या है तो उसको देख रहा हूँ, और समस्त अधिकारी साथ हैं, उनके निराकरण का निर्देश दें। कांग्रेस के पास कोई काम होना चाहिए। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल का उनका जो कार्यकाल था उस कार्यकाल को स्मरण करें, और उस स्मरण में कितनी तकलीफें थी उसकी तुलना में उन तकलीफों को देखें और आज बदलते हुए ग्वालियर की तस्वीर को भी देखें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।